इनके पास एम्बुलेंस अवेलेबल है बट 50% ऑक्सीजन है इनके पास एंड दे विल चार्ज 1,40,000 बट स्टिल यू हैव टू पे लाइक 1,20,000 इससे ज़्यादा हम कम नहीं कर सकते। मैं जैसे ही एम्बुलेंस में बैठी दे सेड कि मैम हमें पूरी पेमेंट कैश चाहिए पूरा 1,20,000 कैश पेमेंट करो आप। हाफ एन आर ही गए होंगे देन दे अगेन स्टार्टेड डिमांडिंग कि मैम बाकी की पेमेंट कराओ हमें पुश आ रहा है हमारे ऑफिस से हमें गालियाँ पड़ रही हैं कि 95,000 मेरे हस्बैंड ने ट्रांसफ़र करवाया उनके अकाउंट में। हाँ इन हाथ च सबूत वजो फड़ी रसीद दिखा रही इस लड़की का नाँ अमनदीप कौर है। रसीद के उपर लिखा कार्डियक केयर एम्बूलेंस प्राइवेट लिमिटेड। जिस कंपनी की एम्बूलेंस च ये लड़की अपनी कोरोना पीड़ित माँ को इलाज लई लुधियाना के एक निजी हस्पताल लिजा पहुँची सी। ये रसीद इसलिए दिखा रही है क्योंकि जिस जिस एम्बूलेंस वो अपनी माँ को लेके लुधियाने लेके आई सी उस कंपनी ने उस कोलों 1,20,000 रुपए किराए वजो ले जो तुसी रसीद ते लिखे साफ देख सकते हो। कोरोना पीड़ित परिवार ने कैमरे सामने अपने नाल हुई धक्केशाही किवें बयान की तुसी जरा आप ही देख लो। वो कोरोना पेशेंट है उनको कोरोना कोविड पॉजिटिव आया था एंड उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। मैं गुड़गांव में रहने वाली हूँ मेरी मदर जो है वो दिल्ली की है वो मेरे पास आई हुई थी। मैं मैरिड हूँ तो मेरा ससुराल वहीं पर ही है। हमें कहीं कोई कुछ नहीं मिल रहा था ना कोई ऑक्सीजन मिल रहा था ना ऑक्सीजन सिलेंडर खाली भी नहीं मिल रहे थे फुल भी नहीं मिल रहे थे मेडिकल फैसिलिटीज नथिंग वाज देयर। और मेरे घर के पास एक हॉस्पिटल था सत्यम मेडिकेयर हॉस्पिटल। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी कि मेरे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है समहाउ मेरे ऑफिस ने मुझे प्रोवाइड करवाया दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अ लॉट टू मी इन रिगार्ड ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एंड मील फैसिलिटीज ऑल्सो क्योंकि मेड नहीं आ सकती कोविड के घर में पूरे मेरा पूरा फैमिली इम्पैक्टेड थी मेरी मदर इन लॉ ब्रदर इन लॉ मैं खुद मेरे हस्बैंड और मेरी मॉम वो तीनों बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे मेरी मॉम मदर इन लॉ ब्रदर इन लॉ। क्या वहाँ कोई बेड नहीं मिला आपको? कोई बेड नहीं मिल रहा था पर फिर फाइनली उनको बहुत रिक्वेस्ट की मैंने रोई हाथ जोड़े कि कुछ आप इंजेक्टेबल्स ही दे दो एटलीस्ट मेरे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है तो मैं अपनी ऑक्सीजन दे दूंगी मेरी मॉम को बट आप उनको एडमिट कर लो। समहाउ दे अग्रीड कि ठीक है हम कर लेते हैं बट आप ऑक्सीजन अपना ही लेके आ पाओगे क्योंकि हमारे पास इतना अरेंजमेंट नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटा सा हॉस्पिटल था। यहाँ हमने बहुत ट्राई किया हमें कुछ अवेलेबिलिटी वहाँ दिल्ली NCR गुड़गांव फरीदाबाद कहीं कोई बेड नहीं मिल रहा था जहाँ ऑक्सीजन फैसिलिटी हो। समहाउ वी गॉट टू नो कि यहाँ लुधियाना में एक बेड अवेलेबल है। हमने इनसे बात करी हमने इनको क्रिटिकल सिचुएशन बताई कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है मेरी मदर की ऑक्सीजन 60s 50s में ड्रॉप हो रही थी। देन दिस हॉस्पिटल अग्रीड ठीक है आप ले आओ तो हमने यहाँ बेड बुक उनको बोल दिया था कि हम ऑन द वे बस लेके आ रहे हैं जैसे ही उन्होंने परमिशन दी। तो मैंने एम्बुलेंस के लिए ट्राई किया बहुत सारे नंबर्स फॉरवर्डेड नंबर्स आए मेरे पास एम्बुलेंस के लिए बट कोई भी एम्बुलेंस जाने को तैयार नहीं थी। किसी के पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी तो कोई आउटस्टेशन ही जाना चाहता था और मुझे ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस ही चाहिए थी क्योंकि मेरी मदर कंसंट्रेटर के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। ऑल दो मेरे पास 70 लीटर्स का सिलेंडर था समहाउ मेरे एक फ्रेंड ने बहुत अरेंज करवाया मेरे लिए वो गुड़गांव लेके आए मेरे पास। मेरे पास एक फॉरवर्डेड मैसेज था जिसमें मैंने बहुत सारे एम्बुलेंसेज को ट्राई किया वन ऑफ दैट पर्सन ये वाले थे कार्डिया केयर जो एम्बुलेंस है। मैंने इनको कॉल किया इन्होंने बोला कि इनके पास एम्बुलेंस अवेलेबल है बट 50% ऑक्सीजन है इनके पास एंड दे विल चार्ज 1,40,000। देन आई टोल्ड देम कि ये बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हो आप इतना तो फेयर बनता ही नहीं है गुड़गांव से लुधियाना का और मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी है 70 लीटर्स का। देन दे अग्रीड कि अच्छा ठीक है आपके पास सिलेंडर है तो आप 20,000 कम दे देना बट स्टिल यू हैव टू पे लाइक 1,20,000 इससे ज़्यादा हम कम नहीं कर सकते। हाँ मैं यहाँ क्यों उस टाइम वो मान ही नहीं रहे थे और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी तो मैंने कहा ठीक है आई अग्रीड कि मैं पे कर दूंगी आप बस जितनी जल्दी हो सकता है एम्बुलेंस ले आओ। उन्होंने हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में एम्बुलेंस ले आए थे। वो मैंने जैसे ही एम्बुलेंस में बैठी दे सेड कि मैम हमें पूरी पेमेंट कैश चाहिए पूरा 1,20,000 कैश पेमेंट करो आप। उस टाइम मैं इतना कैश लेके थोड़ी घूम सकती हूँ मैंने उनको बोला कि सर मेरे पास इतना कैश अवेलेबल नहीं है थोड़ा बहुत है लाइक 20-25 है मैं आपको वो पे कर देती हूँ आप चला तो लो एटलीस्ट बाकी मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करा दूंगी। तो मैंने 20,000 इनिशियल अमाउंट उनको पे किया थोड़ा सा आगे हाफ एन आवर ही गए होंगे देन दे अगेन स्टार्टेड डिमांडिंग कि मैम बाकी की पेमेंट कराओ हमें पुश आ रहा है हमारे ऑफिस से हमें गालियाँ पड़ रही हैं कि पेमेंट नहीं ली तुमने अभी तक कितनी देर हो गई है एंड ऑल।
देन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप बाकी के ट्रांसफर कर दो। उस टाइम मेरे पास ना कार्ड था ना कुछ था। 95,000 मेरे हस्बैंड ने ट्रांसफर करवाया उनके अकाउंट में। हाँ, इनके अकाउंट में। इनके जो अटेंडेंट है उन्होंने मेरे साथ डिटेल्स शेयर करी उनके बैंक अकाउंट की, एंड देन मेरे हस्बैंड ने उनके अकाउंट में 95,000 ट्रांसफर कर दिए। कंप्लेंट मैंने ये की है कि इतना ज्यादा चार्ज किया है इन्होंने, जो कि जायज अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है। 1,20,000 कहीं से भी नहीं बनता। पूरे रास्ते मैंने अपनी ऑक्सीजन यूज की है 70 लीटर, सिर्फ 1.5 घंटा मैंने उनकी ऑक्सीजन ली है और वो भी उनकी बची है, जबकि उनके पास वैसे भी 50% ही थी। मैंने ये स्लिप, मेरे एक दोस्त हैं नरेंद्र सिंह जी जो कि बाबा अवतार सिंह जी गतका के उस्ताद हैं, उन्होंने ये स्लिप वायरल करी इंटरनेट पे। वायरल होते होते ये करेक्ट हैंड्स में पहुंची। ह्यूमन राइट्स के जो जलंधर के श्रीकांत जज जी हैं उनके पास ये मैटर पहुंचा। उन्होंने मुझे कॉल किया, इन्वेस्टिगेट किया कि ये मैटर ट्रू है या ये कुछ फ्रॉड वगैरह है। आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थी, सब कुछ था, मैंने उनके साथ सब शेयर किया। पहले तो वो लोग नहीं मान रहे थे एम्बुलेंस वाले, बट जब प्रूफ्स उनको मिले तो वो उनको मानना ही पड़ा क्योंकि ये बात बिल्कुल सच थी। वो अग्री हो गए कि मैम हम आपको ट्रांसफर कर देंगे आपका जितना भी अमाउंट था सारा, बट आप जो है आप इस मामले को रफा दफा कर दो। अभी आपने पुलिस में कंप्लेंट की? पुलिस में मैंने कल रात को कंप्लेंट कर दी है। दिल्ली में मैंने एप्लीकेशन भेज दी है। दिल्ली, जब ये पंजाब वाले के साथ हुआ था तो सारी मीडिया इन्वॉल्व हो गई, सबको पता चल गया था। तो दिल्ली पुलिस वाले, वो जो डायरेक्टर था इस एम्बुलेंस का, उसको पूरा दिन वो वहाँ इंदिरापुरी दिल्ली में बैठा रहा थाने में, क्योंकि उसके अगेंस्ट एक्शन था कि उसने ऐसा इतना चार्ज किया है। उस टाइम वो मानने को तैयार नहीं था कि मैं तो अवेयर नहीं हूँ कि मेरे मेरे ऑफिस के स्टाफ ने ऐसा किया, मैं अवेयर नहीं हूँ। मैंने दिल्ली पुलिस में दी है कंप्लेंट। कल मैंने उनको ऑनलाइन कंप्लेंट भेज दी है। वो एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं अपनी तरफ से, जो भी कार्रवाई होगी वो कर रहे हैं। जब पत्रकार सरकार अते प्रशासन नू इस मामले संबंधी जागरूक करन लई पीड़ित परिवार नाल गलबात करन पहुंचे तो निजी हस्पताल का डॉक्टर रघुवीर शर्मा उल्टा पत्रकारा नाल ही बदतमीजी ते उतर गया। सुनोगे कि अपनी बोलते रहोगे? आप कल से इनका तमाशा बनाया हुआ है तुम सबने। तो आप इनको एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, आप जो आ रहे हैं बीच में, चुप अच्छा आप चुप रहे, हमें बोलने तो पहले चुप करो। देश अंदर कोरोना महामारी दिनों दिन बढ़ रही है, लोग मर रहे ने। जिन्हां नूं इलाज मिलन दी आस हुंदी है उन्हां नाल एम्बूलेंस वाले जां डॉक्टर अपनियां जेबां भरन लई लुट मचा रहे ने। ओह केंद्र अते सूबा सरकारां लई इक वड्डा चिंता दा कारण बणिया होया है। जे समां रहिंदे ही सरकार वल्लों अजिहे लुट मचाउण वालियां ते सख्त कारवाई ना कीती गई तां देश च बण रहे माड़े हालातां तों लोकां नूं कोई नहीं बचा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।